दोस्तों अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो शुक्र धातु होती है वो हमारे शरीर की सबसे परम और सबसे बेस्ट धातु होती है, और उसी के थ्रू हम प्रजनन क्षमता हमारे शरीर में आती है, हमारी जो सेक्स पावर होती है, वाइटलिटी होती है, वो सब कुछ हमारी शुक्र धातु पे ही डिपेंड करती है। अगर उसकी कमी शरीर में हो जाती है तो भी हमारे शरीर में शीघ्र पतन की जैसी समस्या या फिर वीर्य का कमी या वीर्य का पतलापन या शुक्राणुओं की कमी या नपुंसकता जैसी समस्याओं की उत्पत्ति होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि शुक्र धातु जो होती है हमारे शरीर की, उसका पोषण कैसे किया जाए या उसको कैसे बढ़ाया जाए, और क्या है शुक्र धातु कॉन्सेप्ट आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, सब कुछ इसी बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों, जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारा जो शरीर है, हम जो भी कुछ भी खाते हैं चाहे वो कुछ भी हो, वो सात धातुओं में डिवाइड होता है। जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हो, जो हमारा शरीर, हम कुछ भी खाएंगे वो इन सात धातुओं में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पहले जो बनता है और सबसे ज्यादा होता है वो रस होता है। कुछ भी खाएंगे वो पहले रस बनेगा, फिर उसके बाद रक्त बनता है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इस तरह से वो आगे बढ़ते बढ़ते कम होता जाता है, और लास्ट में, सबसे लास्ट में बनता है शुक्र धातु, जो कि सबसे परम धातु या सबसे श्रेष्ठ धातु मानी जाती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। और ये सबसे कम मात्रा में बनता है, और यही बात, इसीलिए इसकी जो सुरक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, और शुक्र धातु के पोषण के लिए मैं आपको आज एक ऐसी खीर बताने वाला हूँ जो कि आपको ना सिर्फ शुक्र धातु को बढ़ाएगा, बल्कि आपकी जो वाइटलिटी है या फिर जो भी सेक्स प्रॉब्लम्स आ रही है उनमें बहुत ही बेहतरीन काम करता है, क्योंकि ये शुक्र धातु को मजबूत बनाता है, शुक्र धातु की वृद्धि करता है। तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको लेनी है उड़द की दाल। उड़द की दाल को अपने को एक कढ़ाई के अंदर हल्का सेक लेना है, हल्की, बिल्कुल हल्का सेकना है, जब थोड़ी हल्की हल्की लाल हो जाए तो उसको निकाल लेना है, फिर उसको अपने को एक ग्राइंडर में पीस लेना है, ठीक है। और अब उसके अंदर अपने को एक अलग से बर्तन लेना, उस बर्तन में अपने को घी गर्म करना है 1 चम्मच। अभी घी क्या काम करता है, जो उड़द की दाल है, जो उसका आटा है, उसके अंदर के जो गुण है उसको कई गुना बढ़ा देता है, ठीक है। तो उसके अंदर अपने को घी गर्म करके उसके अंदर अपने को उड़द की दाल डालनी है, अपने को तकरीबन ये मान के चलो कि 10-20 ग्राम, इससे ज्यादा दाल नहीं लेनी अपने को, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैवी होती है उड़द की दाल, इस चीज का ध्यान रखना अपने को। तो 20 या 30 ग्राम उड़द की दाल, उसका आटा अपने को उसके अंदर डालना है, सिका हुआ जो हमने पहले रोस्ट किया है। अब उसको थोड़ा सा सेक के उसके अंदर अपने को दूध डालना है, ठीक है। दूध अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, जो भी आपकी जैसे भी वो क्वांटिटी होती है, उसके अंदर गाढ़ी पीना है तो गाढ़ी के हिसाब से, या फिर आपको पतला लेना है तो पतले, उस हिसाब से आप दूध डाल के उसको थोड़ा गर्म कर लें, और उसमें डालें कुछ केसर की पत्तियां, ठीक है। और साथ ही मीठे के लिए उसके अंदर डालें मिश्री। मिश्री अपने आप में एक शुक्रवर्धक का काम करती है, ठीक है। अपने वो धागे वाली मिश्री लेनी है उसके लिए, तो वो उसके अंदर डालें, और आपकी खीर तैयार है। और साथ में उसमें चाहे तो आप बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी अच्छा काम करेंगे, ठीक है। ये जो खीर होती है, ये आपका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा इन और शुक्र, इन सभी धातुओं का पोषण करती है, और सबसे ज्यादा पोषण करती है शुक्र धातु का। शुक्र धातु मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, बस दोनों में अलग अलग होती है, मेल के अंदर वीर्य के रूप में होती है और फीमेल के अंदर आर्तव के रूप में होती है, ठीक है। तो ये दोनों में फायदा करती है खीर। आप इसके अगर इस खीर का सेवन अगर आप डेली करते हो तो आपका जो वीर्य की क्वांटिटी है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वीर्य का जो पतलापन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, वीर्य एकदम गाढ़ा होता है। साथ ही जो आपकी टाइमिंग की समस्या आ रही है या नपुंसकता की समस्या आ रही है उसमें भी बहुत ही बेहतरीन काम करती है। दोस्तों, जिन लोगों को वजन बढ़ा हुआ है या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स है, उन लोग ये अवॉइड कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट भी इनको बिना चीनी के ले सकते हैं, शुगर के पेशेंट, अगर उसके अंदर, अगर आप शुगर के पेशेंट हो तो उसके अंदर आप मिश्री वगैरह ना डालें, बाकी चीजें आप डाल के आप आराम से इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी ये जो खीर है आपकी सभी सेक्स समस्याओं में बहुत ही बेहतरीन काम करती है, क्योंकि जो शुक्र धातु हमारी शरीर की सबसे परम धातु होती है, और इसकी मात्रा भी बहुत कम होती है, और हम बहुत से लोग इसको गलत कामों की वजह से निकाल देते हैं तो उसका कमी हो जाती है, उसी वजह से वीर्य का पतलापन या शीघ्र पतन जैसी समस्याओं की उत्पत्ति होती है, और ये समस्याएं होती हैं। तो ये खीर उनमें बहुत ही जबरदस्त काम करने वाली है। दोस्तों, तो आज का वीडियो इसी बारे में था कि शुक्र धातु का पोषण कैसे किया जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब के बिना कहीं नहीं जाना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
नमस्कार।